तो Motorola Edge 50 Pro कैसा है गेमिंग में, लेट्स फाइंड आउट। तो गाइस आज मेरे पास आ गया Motorola Edge 50 Pro एंड आज मैं इसमें गेमिंग टेस्ट करूंगा, साथ ही मैंने इसके बेंचमार्क्स भी टेस्ट किए। तो अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस स्कोर्स एंड देखने की गेम में कितने FPS आते हैं तो उसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जागरण पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है आप देख रहे हैं जागरण प्ले। तो कैसे को फोन की सबसे बड़ी चीज मेरे को लगी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पिक किया था, उसका जो बैक है वो वीक एंड लेदर सॉफ्ट टच फिनिश है बैक में, उससे फोन काफी ग्रिपी लगता है होल्ड करते वक्त। बाकी का इस फोन काफी प्रीमियम फील देगा जब आप इसको होल्ड करोगे, इसकी डिस्प्ले भी शानदार है। यहाँ पे आपको 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फोन में, जो की कर्व डिस्प्ले की पैनल है एंड साथ ही साथ आपको इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। फोन की डिस्प्ले शानदार लगी मुझे, कलर्स पंची थे एंड जब भी मैं इस पर कुछ भी कॉन्टेंट कंजम्पशन या फिर गेमिंग कर रहा था मेरे को इसका जो व्यूइंग एंगल था सबसे बढ़िया लग रहे थे। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है फोन में, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है एंड जब मैंने इसमें बेंचमार्क्स टेस्ट किए तो आपको आराम से लगभग Antutu में 8 लाख के प्लस का स्कोर देखने को मिल रहा था एंड 3D मार्क में भी ये डिसेंट परफॉर्म कर रहा था। बट एक चीज जो मेरे को लगी थी जब मैंने इसको बेंचमार्क्स टेस्ट किया तो इसकी बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को। Antutu में इसने लगभग 6% का बैटरी ड्रॉप किया था बट 3D मार्क में इसने बहुत ज्यादा बैटरी ड्रॉप किया था, तो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। गाइस फोन काफी स्लिम है एंड फॉर्म फैक्टर है बट यहां पे आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी एंड बैटरी लाइफ मेरे हिसाब से और बेटर हो ही जा सकती थी फोन में। मेरे को फोन की बैटरी लाइफ में थोड़ा सा इशू आया जब भी मैं इसमें गेम खेल रहा था या फिर मैंने इसे बेंचमार्क्स भी टेस्ट किया तो बैटरी लाइफ मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। बट ऑन दी अपर साइड यहाँ पे आपको 125 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आप आराम से इस फोन को जल्दी चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेरा वेरिएंट है आपको 12 GB की रैम एंड 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, तो उस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। गाइस फोन काफी बढ़िया, मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन का फोन को तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है Motorola की तरफ से, आपको थोड़े बहुत ऐप्स देखने को मिल जाएंगे Motorola की तरफ से बट उसके अलावा फोन स्टॉक एंड्रॉइड 14 में ही आता है। एंड जब मैंने इसमें गेमिंग टेस्ट किया तो मैंने इसमें Asphalt 9 Genshin Impact एंड BGMI टेस्ट किया। Asphalt 9 में इसमें हाई क्वालिटी पे 60 FPS फोन सपोर्ट करता है एंड आपको इसमें कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, आपको गेम में कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, गेम स्मूथ चलेगी एंड आपको कोई भी हीटिंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे को 60 FPS कंसिस्टेंट मिल रहा था Asphalt 9 में एंड फोन काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। बात कर Genshin Impact की तो मैंने पहले इसको हाईएस्ट सेटिंग्स एंड 60 FPS पे रन किया एंड वहां पर मेरे को 40 से 48 FPS तक देखने को मिल रहे थे, मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला बट जो FPS 48 तक मैक्स जा रहे थे हाईएस्ट सेटिंग्स में। बाय डिफॉल्ट ये लोएस्ट सेटिंग्स में आते हैं, तो जब आप इसको लो सेटिंग्स एंड विद 60 FPS पे चलाओगे तो आपको वहां पे 55 से 60 FPS कंसिस्टेंट मिलेंगे विदाउट एनी लैग। हीटिंग मेरे को कोई भी एसेट फेस होते हुए देखने को नहीं मिली Genshin Impact में एंड आप इस पे आराम से लोएस्ट सेटिंग्स में आप 60 FPS पे खेल सकते हो। बात करें BGMI की तो यहां पे आपको अल्ट्रा HDR अल्ट्रा फ्रेम रेट से मैक्स सपोर्ट करता है एंड स्मूथ एक्सट्रीम तक जाता है, यहां पे आपको 90 FPS देखने को नहीं मिलेगा फोन में। बट अगर गेम प्ले की बात करें तो लैंडिंग का तो मेरे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, गेम स्मूथ चल रही थी स्मूथ एक्सट्रीम में, 60 FPS मेरे को कंसिस्टेंट मिल रहा था। बात करें TDM की तो यहां पे मैंने इसका जायरोस्कोप भी टेस्ट किया एंड इसके जायरोस्कोप काफी बढ़िया थे, मेरे कोई भी जायरो डिले या जायरो लैग देखने को नहीं मिला एंड इसके जायरोस्कोप काफी रिस्पॉन्सिव एंड बढ़िया थे। बात करें गेम प्ले की तो मेरे गेम स्मूथ चल रही थी, मेरे को 60 FPS कंसिस्टेंट मिल रहा था बट एक चीज जो मेरे को इशू कर रही थी वो था इसका कर्व डिस्प्ले। कर्व डिस्प्ले होने के कारण मेरे को थोड़े बहुत मिस टचेस देखने को मिल रहे थे बट परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। सिंस इसका जो बैक इतना ग्रिपी है मेरे गेम करने में काफी मजा आ रहा था एंड बहुत कंफर्टेबल लग रहा था इसमें गेम करने में। हीटिंग की बात करें तो मेरे कोई भी ऐसा हीटिंग फेस होते हुए देखने को नहीं मिली, मेरे को 60 FPS कंसिस्टेंट मिल रहा था एंड फोन बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस विद अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो Motorola Edge 50 Pro वुड बी अ ग्रेट चॉइस। तो देखो गाइस फोन काफी बढ़िया दिखता है, काफी कंफर्टेबल, लाइट वेट एंड इसकी जो परफॉर्मेंस थी काफी बढ़िया थी। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की तो जो मेरा वेरिएंट है यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो है 36,000। तो क्या 36,000 में आप Motorola Edge 50 Pro लेना चाहेंगे यानी आप मेरे कमेंट से जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना जागरण प्ले को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड प्ले गेम्स।